नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। क्या कभी आपने सुना है कि किसी लाश की कब्र से आवाज़ आ रही हो, या कभी किसी कब्र से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही हो? अगर आपको यकीन ना हो तो चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ऐसे गुनगुनाने की आवाज आती थी सर। कहाँ से आती? कब्र के पास से सर। ये आवाज आ रही है, मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। अब समुचित आदेश के लिए जिलाधिकारी महोदय को इसको भेजा जाएगा, उनके आदेश पर कब्र खुदवा के और देखा। कभी आपने किसी कब्र के अंदर से गुनगुनाने की आवाज सुनी है? कभी आपने कब्र के अंदर से किसी की फरियाद बाहर आती सुनी है? कभी आपने किसी मुर्दे को बोलते सुना है? गुनगुनाने की आवाज। मरने के बाद भी कब्र में गुनगुना रहा है, मरने के बाद भी कब्र के अंदर से आवाज दे रहा है मुर्दा। एक मुर्दे की फरियाद, मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। अरे ये आवाज आ रही है, मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। मुर्दे की आवाज डीएम के कानों तक भी पहुंची, मुर्दे की फरियाद एसपी के दफ्तर तक जा पहुंची। क्या कब्र में जिंदा है मुर्दा? क्या कब्र खोद कर मुर्दे के जिंदा होने की जांच होगी? समुचित आदेश के लिए जिलाधिकारी महोदय को इसको भेजा जाएगा, उनके आदेश पर कब्र खुदवा के और देखा जाएगा। ये मेरठ के पास एक गांव का कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्र हैं, मगर पिछले 15 दिनों से अचानक ये कब्रिस्तान आसपास के तमाम गांवों के लिए एक अचंभा बन गया है। बहुत से लोग इस कब्रिस्तान को लेकर डरे हुए हैं, तो बहुत से हैरान हैं। खुद प्रशासन समझ नहीं पा रहा है कि इस मामले को कैसे हैंडल किया जाए। इस हैरानी की वजह है इस कब्रिस्तान में मौजूद ये कब्र, जो कि 2 महीने पुरानी है। ये कब्र गांव के ही एक नौजवान की है, एक ऐसे नौजवान की जिसे गाने का शौक था, गुनगुनाने का शौक था, मगर एक रहस्यमय बीमारी की वजह से करीब 2 महीने पहले अचानक उसकी मौत हो गई। उस नौजवान का नाम था इरफान। इरफान की मौत के बाद उसे इस्लामी रीति रिवाज के तहत गांव के ही इसी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इरफान को दफनाने के बाद उसके घर के लोग बाद में भी उसकी कब्र पर जाते रहते दुआएँ पढ़ने के लिए। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था, मगर ऐसे ही एक रोज जब इरफान का भाई उसकी कब्र पर पहुंचा, तो अचानक उसे कब्र के अंदर से गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बिल्कुल वही थी जैसे इरफान गुनगुनाया करता था। शुरू में तो इरफान के भाई को लगा कि ये उसका वहम है, मगर फिर अगले रोज जब वो दोबारा उसकी कब्र पर गया, तो फिर से वैसे ही गुनगुनाने की आवाज आई। इस बार वो घबरा गया। इसके बाद उसने ये बात अपने वालिद और बड़े भाई को बताया। पहले तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, मगर जब वो इरफान की कब्र पर गए तो उन्हें सचमुच कब्र के अंदर से गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही ये आवाज़ भी आई कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। ये आवाज़ आ रही है, मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। अब धीरे धीरे ये बात पूरे गाँव में फैल गई। अचानक लोगों ने कब्रिस्तान का रुख करना शुरू कर दिया, कुछ हैरान होकर तो कुछ घबरा कर। इरफान के घर वालों को तो अब यकीन हो गया था कि इरफान कब्र में जिंदा है, मगर वो इरफान की कब्र खोद नहीं सकते थे। तो पैरानॉर्मल दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।